पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में उतरे सरपंच प्रत्याशी बलराम कनेल ने मध्य प्रदेश शासन को कहा कि बेरोजगार युवाओं के द्वारा पैसा वसूलने की प्रक्रिया हर बार करते रहते हैं। मध्य प्रदेश शासन बेरोजगार युवाओं के द्वारा वैकेंसी के फॉर्म भरवाने के बाद परीक्षा रद्द कर देते हैं। वैसे ही नाम बेरोजगार युवाओं ने पंचायत चुनाव में फॉर्म भरे और चुनाव रद्द करने पर लगे हुए हैं। बेरोजगार युवाओं के द्वारा लाखों करोड़ों पर हर बार वसूलने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश शासन बंद नहीं कर रही है। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। बार को कैबिनेट मंत्री की बैठक में पंचायत चुनाव को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पर मोहर लग गई थी, लेकिन उन्होंने राज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें राज्यपाल ने भी उन पर मोहर लगा दी है कि चुनाव पंचायत चुनाव रद्द हो गए। और राज्यपाल के बाद एक प्रस्ताव अभी फिलहाल निर्वाचन आयोग के पास भेजा है, जिसमें अभी निर्वाचन आयोग का फैसला भी कह नहीं सकते कि किस तरह उनका मोहर जाता है। इसी के साथ में अभी हम जनपद पंचायत धर्मपुरी के ग्राम पंचायत डोंगरी दसोड़ा में एक प्रत्याशी के साथ में चर्चा करते कि वह किस पर प्रकार से सरकार को अपनी बात सुनाते हैं। आपका नाम? बलराम कनेल। जो अभी पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई थी और पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियां भी हो गई थी और फार्म वार्म की भी पूरी प्रक्रिया हो गई थी, 6 जनवरी को पंचायत चुनाव की मतदान होना था, उसके ऊपर आप कुछ कैसे क्या कहना चाहेंगे? मैं जो पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि 6 तारीख को अभी होने वाले थे जी। जिसमें राज्य शासन ने और राज्यपाल ने अभी उस पर मोहर लगा दी कि पंचायत चुनाव टलने वाले हैं जी। और अभी निर्वाचन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है, अब निर्वाचन आयोग का क्या फैसला आता है। लेकिन हम युवा जो कि हमने बेरोजगार युवा है, नौकरियों के लिए भी हमने प्रयास किया और उसमें कहीं ना कहीं जब भी हम वैकेंसियों में फॉर्म डालते फॉर्म भी भरवा लिए जाते, पैसे ऐट लिए जाते हैं और आखिरी में जब परीक्षा आती है तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं जी। अब युवा सिर्फ मैं ही नहीं, आसपास मध्य प्रदेश के कई युवा जो बेरोजगार थे अपना भाग्य पंचायत चुनाव में भी अजमाने जा रहे थे कि हमारे द्वारा फार्म भी भरवा लिए गए, सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई, हमने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए भी पैसा खर्च कर दिया और आखिरी में पंचायत चुनाव भी सरकार द्वारा रद्द किए जा रहे हैं। इससे हम बहुत ही आक्रोशित हैं क्योंकि जहाँ भी हम प्रयास करते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अटकलें सरकार के द्वारा लगा दी जाती है और हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो मैं सरकार से मांग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।